क्लास 7 सब्जेक्ट साइंस ह्यूमन बायोलॉजी और चैप्टर नंबर 15 रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था रेस्पिरेशन क्या होती है, ऑर्गेनिज्म मींस हमने आपको बताया था ऑर्गेनिज्म मींस लाइक एनिमल प्लांट्स एंड ह्यूमंस आर ऑल ऑर्गेनिज्म। ये सब क्या होते हैं आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें रेस्पिरेशन की प्रोसेस कंटिन्यूस होती है। सो टुडे वी आर टेकिंग अ न्यू टॉपिक रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग्स, सो ह्यूमन बीइंग्स में रेस्पिरेशन कैसे होती है? ह्यूमन बीइंग्स में जो रेस्पिरेशन होती है इसका कंटिन्यूस प्रोसेस, कंटिन्यूस प्रोसेस मींस किसी भी लिविंग ह्यूमन बीइंग्स की बर्थ से लेकर डेथ तक जो कंटिन्यूस प्रोसेस होती है वो कौन सी प्रोसेस होती है? आपकी रेस्पिरेशन। विदाउट रेस्पिरेशन ये आप सर्वाइव नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। रेस्पिरेशन में आप क्या करते हो, ऑक्सीजन को इनटेक करके कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हो। ये सभी को मालूम है ऑक्सीजन इनटेक करते हो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। फिर नेक्स्ट मीटिंग इसमें breathing means taking in air rich in oxygen and given out air rich in carbon dioxide। हमने आपको ये बताया breathing का मतलब होता है सांस लेने का मतलब होता है कि oxygen को intake करना and carbon dioxide को release करना means बाहर निकालना उसको। next है आपका with the help of respiratory organ, आपकी body में जो respiratory organ होते हैं like lungs, nostril, mouth, ये सब क्या है आपके respiratory organ है जिनकी help से आप respiration कर सकते हो। That taking of air and oxygen into the body is called inhalation। अब ये वर्ड आपको समझना है inhalation क्या होता है। और एक है आपका next word इसमें आपका exhalation, एक होता है आपका inhalation, second है आपका exhalation। So what is the meaning of inhalation and exhalation? जब आप oxygen को आपकी body में intake करते हो, आपने अपनी ह्यूमन बॉडी में ऑक्सीजन को इंटेक किया, वो क्या कहलाता है आपका इनहेलेशन। इनहेल मतलब अंदर ले जाना, और एक्सहेलेशन का मतलब आपने वो ऑक्सीजन अंदर लेने के बाद जो आप कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर, जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हो उस वो प्रोसेस क्या कहलाती है आपकी एक्सहेलेशन प्रोसेस कहलाती है। तो ऐसे ही कुछ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं ह्यूमन बॉडी में जिससे कि ह्यूमन बॉडी रेस्पायर कर सकती है। और हमने आपको ये बताया कि रेस्पायर कि जो प्रोसेस है तो कंटिन्यूस प्रोसेस रहती है, और जो रेस्पिरेशन की एक प्रोसेस होती है इसमें ब्रीथिंग रेट, ब्रीथिंग रेट मतलब होता है आप एक मिनट में ह्यूमन बीइंग्स कितनी बार ब्रीथ करता है। ब्रीथिंग रेट ह्यूमन बॉडी में एक मिनट में एक पर्सन कितनी बार ब्रीथ करता है वो क्या कहलाता है आपका ब्रीथिंग रेट कहलाता है। इसके बाद आपका इसमें नेक्स्ट टॉपिक है ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन डिफरेंस, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन डिफरेंस। नेक्स्ट टॉपिक आएगा इसमें व्हाट हैपेंड टू द एयर दैट यू ब्रीथ इन। तो ये जो टॉपिक्स हैं ये नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टुडे वी हैव टेकन अ टॉपिक रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। थैंक यू।